आपका टीचर और गाइड डॉक्टर मनोज पीपल। स्वागत करता हूं आप सभी का आप ही के यूट्यूब चैनल डॉक्टर मनोज पीपलवास हाउस ऑफ इंग्लिश में। आज हम बात करेंगे लेट और डिफरेंट यूजेस ऑफ लेट। आज हम बात करते हैं लेट की या लेट के अलग अलग यूजेस की। देखिए, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि लेट है क्या। जनरली लेट इज यूज, जनरली तो लेट का यूज होता है फॉर ऑफर के लिए, प्रस्ताव के लिए, एडवाइस सलाह के लिए, सजेशन सुझाव के लिए, एंड टू इन्फॉर्म अबाउट समथिंग या किसी चीज के बारे में सूचित करने के। अब इसी क्रम में जब हम देखते हैं तो स्ट्रक्चर बनता है जैसे लेट मी और उसके आगे इंफिनिटिव यानी फर्स्ट फॉर्म से आगे का सेंटेंस जोड़ते हैं। एग्जाम्पल के रूप में आप देख सकते हैं, देखिएगा, लेट मी ब्रिंग यू अ चेयर। आप किसी को बोलते हैं लेट मी ब्रिंग यू अ चेयर, इसका मतलब हो गया मैं आपके लिए कुर्सी ले आऊं या मुझे आपके लिए कुर्सी लाने दीजिए। यहां ऑफर है, देखिए पोलाइट ऑफर ऑफ सर्विस को दिखाता है या रिक्वेस्ट को दिखाता है। आपके घर कोई आदमी आ रहा है, चौक में, ग्राउंड में, कहीं भी आप खड़े हैं और वो कहता है चलो नहीं एक मिनट रुके मैं आपके लिए कुर्सी ले आता हूं, ये ऑफर है और रिक्वेस्ट भी, तो इसे आप दिखा रहे हैं। उसी प्रकार दूसरा एग्जांपल हो सकता है लेट मी गो नाउ, अब मैं चलूं या अब मुझे चलने की इजाजत दीजिए। लेट मी फिनिश माय वर्क फर्स्ट, पहले मुझे मेरा काम खत्म करने दीजिए या पहले मैं अपना काम खत्म कर लूं, ठीक है। इन तीनों में आपको पोलाइट ऑफर और रिक्वेस्ट देखने को मिलती है। लेट का एक यूज अपनी बात को कहने के लिए, अपने मंतव्य को स्पष्ट करने के लिए भी किया जाता है। उसमें आप लेट मी के बाद वर्ब लगाएंगे, उसके बाद जो भी क्लोज आपको जोड़ना है, यू नो क्लोज इज अ पार्ट ऑफ सेंटेंस व्हिच हैज इट्स ओन सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। किसी भी सेंटेंस का वो पार्ट जिसका अपना सब्जेक्ट और प्रेडिकेट रूप से क्लोज कहते हैं। तो देखिए, आप लेट मी के बाद वर्ब से शुरू करेंगे और आगे जो क्लोज आपको जोड़ने हैं वो जोड़ देंगे। एग्जाम्पल के रूप में आप देखते हैं लेट मी टेल यू, मैं आपको बताता हूं, व्हाट आई शो, मैंने क्या देखा। अब चाहे तो आप इसमें जगह भी आप एड कर सकते हैं, लेट मी टेल यू व्हाट आई शो इन द होटल, लेट मी टेल यू What I saw in the forest, मैं आपको बताता हूं मैंने होटल में क्या देखा या मैं आपको बताता हूं मैंने जंगल में क्या देखा। Let me explain, मुझे समझाने दो या मुझे स्पष्ट करने दो why I went there, मैं वहां क्यों गया yesterday। आप किसको बताना चाहते हैं कि आप वहां क्यों गए, तो ये समझाने के लिए आप बोल रहे हैं Let me apprise, apprise actually means tell, बताना। Let me apprise you, मैं आपको बताता हूं what he said, उसने क्या कहा in this matter, इस मामले में मैं आपको बताता हूं किस मामले में उसने क्या कहा। Let me tell you, चलिए मैं आपको बताता हूं, ये हो जाता है इसका अर्थ भी। Let me tell you, मैं आपको बताता हूं where he was wandering, you know, moving, roaming। Let me tell you, मैं आपको बताता हूं where, कहां पर he was wandering, वो घूम रहा था, भटक रहा था। Let me clarify, चलिए मैं स्पष्ट करता हूं, clarify बोल दीजिए या explain बोल दीजिए, both words express the same meaning। Let me clarify, चलिए मैं स्पष्ट करता हूं why I did not recognize her, कि मैंने उसे पहचाना क्यों नहीं। अब देखिए, आप कारण बता रहे तो आपने वाई से जोड़ दिया, कोई बात बता रहे होते तो आप व्हाट से जोड़ देते। किसी को किसी कार्य की यदि अनुमति दिलानी हो, इजाजत दिलानी हो, तो उस परमिशन दिलाने के लिए भी हम लेट का यूज करते हैं। ऐसे सेंटेंसेस में सबसे पहले लेट का यूज करते हैं, उसके बाद जिस नाउन या प्रोनाउन के लिए आप रिकमेंड कर रहे हैं उसका नाम आ जाता है और वी बन गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से
आगे जिस कार्य की अनुमति दिलानी है उसे बता दिया जाता है। क्योंकि सबसे पहले नेट है, फिर जो नाउन या प्रोनाउन जिसे आप अनुमति दिला रहे हैं, परमिशन दिला रहे हैं, उसके बाद वर्ब से शुरू होकर आपको एक्शन बता देना है। फॉर परमिशन के लिए आप यूज करते हैं, एग्जाम्पल देखिए, लेट द स्टूडेंट्स कमिंग, लेट द स्टूडेंट्स कमिंग, विद्यार्थियों को अंदर आने दो, आप स्टूडेंट्स को परमिशन दिला रहे हैं, लेट देम गो आउटसाइड, उन्हें बाहर जाने दो, परमिशन दिलाई जा रही है, लेट देम राइट देयर नेम्स, उन्हें अपना नाम लिखने दो, लेट द गर्ल्स गो देयर, लड़कियों को वहां जाने दो, लेट हिम वियर द क्लोथ्स, उसे ऑब्जेक्ट आप यूज करें, हिम हर देम कुछ भी यूज कर सकते हैं ऑब्जेक्ट, वियर द क्लोथ्स उसे कपड़े पहनने दो, लेट माया टेक ब्रेकफास्ट, माया को नाश्ता करने दो, लेट हर कंप्लीट दिस वर्क, उसे यह काम पूरा करने दो, और लेट हिम टेक बाथ, उसे नहाने दो। यहां जो टेक बाथ यूज कर रहे हो उसकी जगह अकेला बैथ भी यूज किया जा सकता है। तो इस प्रकार के वाक्य में परमिशन दिलाई जाती है। स्टूडेंट्स कुछ फ्रेजल वर्ब में भी लेट का यूज होता है, चलिए देखते हैं। पहली जो फ्रेजल वर्ब है टू लेट डाउन, इसका अर्थ होता है टू डिसअपॉइंट, अर्थात निराश करना। टू लेट डाउन मीन्स निराश करना, टू डिसअपॉइंट। एग्जाम्पल देखिए, आई वोंट लेट यू डाउन, मैं आपको नीचे नहीं देखने दूंगा, मैं आपको निराश नहीं करूंगा। दूसरी फ्रेजल वर्ब देखिए बेटा, लेट इट ऑन, लेट इट ऑन मीन्स टू टेल सीक्रेट, रहस्य बताना, राज बताना, भेद बताना। एग्जाम्पल देखिए, आई एम गोइंग टू लेट इट ऑन अ लिटिल सीक्रेट, मैं एक छोटे से राज का रहस्य बताने जा रहा हूं। थर्ड जो आपकी फ्रेजल वर्ब है वो है लेट द हेयर डाउन, लेट द हेयर डाउन मीन्स एंजॉय, मजे करना। अब एग्जाम्पल देखिए, आफ्टर द एग्जाम ऑल ओवर, जब परीक्षाएं खत्म हो जाती है, स्टूडेंट्स लेट देयर हेयर डाउन, तो विद्यार्थी मजे करते हैं फॉर सम डेज, कुछ दिनों के लिए। आप चाहो तो इसके एंड में भी एटलीस्ट जोड़ दोगे तो कम से कम फिर सेंटेंस बन जाएगा, आफ्टर द एग्जाम ऑल ओवर, जब परीक्षाएं पूर्ण हो जाती है, जब परीक्षाएं खत्म हो जाती है, द स्टूडेंट्स लेट देयर हेयर डाउन, तो विद्यार्थी मजे करते हैं फॉर सम डेज एटलीस्ट, कम से कम कुछ दिनों के लिए। फोर्थ में देखिएगा, फोर्थ फ्रेजल वर्ब लेट ऑफ, इसका अर्थ होता है टू गिव लाइट पनिशमेंट, हल्की सी सजा या जरा सी सजा, थोड़ी सी सजा देना। एग्जाम्पल देखिए, ही वॉज अ लीडर, वो एक नेता था, सो इसीलिए द जज लेट हिम ऑफ, जज ने उसे थोड़ी सी सजा दी, विद अ वार्निंग ओनली, केवल चेतावनी देकर, अर्थात वो नेता था इसलिए चेतावनी देकर जज ने छोड़ दिया, हल्की सी या जरा सी सजा दी। समझ में आया? देखिए फिफ्थ फ्रेजल वर्ब है लेट ऑन, इसका अर्थ होता है टू रिवील अ सीक्रेट, एक राज खोलना, एक रहस्य खोलना, एक भेद खोलना। तो एग्जाम्पल देखिए, I did not let on, मैंने राज नहीं खोला, मैंने भेद नहीं बताया मोहन, मोहन को, what you are doing, कि तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, इसका भेद मैंने मोहन को नहीं बताया। Let up का अर्थ होता है to stop, या not let up का अर्थ होता है नहीं रुकना, not to stop, let up to stop, not let up, not to stop। Example देखिए, the train है let up, train रुक चुकी है। सेवेंथ और लास्ट फ्रेजल वर्ब बता रहा हूं बेटा, टू लेट, आपने देखा होगा घरों के आगे जिनको किराए पर देना होता है बोर्ड लगा होता है टू लेट, इसका अर्थ होता है किराए पर देने हेतु या किराए पर देने के लिए। एग्जाम्पल देखिए, दिस हाउस इज टू लेट, ये घर किराए पर देने के लिए। हाँ तो स्टूडेंट्स, आपको आशा करता हूं जो कुछ लेट के बारे में बताया गया होगा समझ में आ गया होगा। यदि आपको कहीं कोई प्रॉब्लम है तो एक बार फिर इसे दोबारा सुनिए, रिवाइंड करिए।
फिर भी कोई कंफ्यूजन मन में होता है तो आप कमेंट बॉक्स में उसके बारे में क्वेश्चन डाल सकते हैं। अपने नेक्स्ट वीडियोस में से किसी में मैं उसका उत्तर दे दूंगा। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि वो भी इसका बेनिफिट उठा सके। और अभी तक यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें। और यदि किसी भी टॉपिक के बारे में आपके मन में कोई भी क्वेश्चन उठता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें ताकि उसके बारे में भी मैं वीडियो बना सकूं। थैंक यू।